नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। मकर लग्न वालों के लिए अक्टूबर के महीने में किस तरह की परिस्थितियां हैं और हमें किस तरह से अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, आज इसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, मकर लग्न है और लग्न में ही गुरु और शनि का संयोग है और ये गुरु जो है वो 18 अक्टूबर से मार्गी अवस्था में आ जाएगा। तो देखिए, मार्गी अवस्था में आने के कारण अब वो पूर्ण रूप से निचस्त्र प्राप्त कर रहा है और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको और हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड ना किया जाए। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रेगुलर चेकअप्स करवा लिए जाएं, इसलिए हेल्थ संबंधित समस्याओं को अवॉइड नहीं करना है। दूसरी एक चीज है कि जब भी गुरु और शनि एक साथ है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग है। आपको अगर कोई भी प्रकार की मंत्र साधना या ईश्वर से कनेक्टेड कोई भी प्रकार की साधना करते हैं तो ये समय आप खुद अंदर से काफी स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। देखिए, ये एक आपको मैं ये कहूंगी कि शनि लग्न में काफी समय से चल रहा है और गुरु भी उसके साथ अभी नीचस्थ अवस्था प्राप्त किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके कोई भी कार्य जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप उन्नति करना चाहते हैं, मगर संघर्ष की परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी और उसमें आप कोई भी निर्णय लेने की अवस्था में आएंगे तो उसमें आपको काफी प्रॉब्लम होगी, एकदम से आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे और चेंजेस का समय 100% है। आप खुद अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई भी बदलाव लिया जाए तो वो पॉजिटिव चेंज कहा जाएगा क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर बनी हुई है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको बदलाव की तरफ लेकर जा रही है। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी शनि होकर लग्न में वो भी गुरु के साथ, ये एक ऐसी स्थिति है कि जब शनि आप वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको काफी बेनिफिट्स हैं। हाँ, आपको काफी वाणी का उपयोग करना पड़ेगा और काफी लोगों को समझाना पड़ेगा तब जाके आपका कार्य होगा, एक बार में नहीं होगा क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है कि आपको कोई फैमिली मैटर के अंदर भी आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाएगा, यानी कि कोई भी मैटर होगा आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो वो आपको मिसइंटरप्रेट करेंगे और एक कह सकते हैं कि आपको सेंटर में रखकर ही हर चीज की गणनाएं की जाएगी और आपके शब्दों का कह सकते हैं कि गलत मीनिंग भी निकाला जा सकता है। तो हो सके तो ऐसी कोई भी मैटर में मत पड़िएगा और आपको सेंटर में रखकर हर व्यक्ति आपके ऊपर इल्जाम लगा सकता है और ऐसी घर परिवार में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि देखिए, जब द्वितीय भाव का स्वामी शनि और गुरु की, गुरु काफी नीचस्थ पोजीशन में है तो ऐसी परिस्थितियां होती है तो उसमें बिल्कुल स्थिरता से आप रहिएगा, कोई भी हमें रिएक्शंस नहीं देने हैं, रिएक्शन से बचिएगा। देखिए, फाइनेंशियल फ्लो धीमी गति से बना हुआ है मगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर थी तो अब सॉल्यूशन की तरफ वो आपको लेकर जाएगी, आपको परिवर्तन की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। देखिए, सेकंड हाउस का स्वामी जुपिटर होकर वो शनि के साथ है तो ये एक ऐसी स्थिति है, गुरु और शनि का संयोग बना हुआ है तो ये एक ऐसी परिस्थिति, आप अपने भाई बहनों के साथ के जो संबंध है उसको न बिगड़ने दें, उसमें खटास आने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है, मगर हम उनको अपने कार्य के अंदर भी इन्वॉल्व अगर आपने किया हुआ है तो उसमें आपके जितना परफेक्ट निर्णय शायद वो न ले पाए और इस कारण से काफी असमंजस की स्थिति हो सकती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए, जब आप कोई कार्य करते हैं और मेहनत का बहुत बड़ा रोल है आपके इस महीने में, आप जो भी वर्क हार्ड करेंगे आपको उसका रिजल्ट 2 महीने बाद बहुत ही श्रेष्ठ प्राप्त होगा 100%, मगर अभी ये ऐसे परीक्षा का समय है कि अब लोग आपके ऊपर अगर हावी होने की कोशिश करें, वो घर वाले हो या कार्यस्थल में हो, तो उसे बिल्कुल लाइटली लीजिए, बिल्कुल कोई रिएक्शंस मत दीजिए क्योंकि ये समय है और उसके कारण ये हो रहा है, ये नीचस्थ गुरु के कारण हो रहा है।
तो उसका इफेक्ट आपके कार्य पर नहीं होना चाहिए। हमें हमारे कार्य को मजबूत रखना है, और इस पूरे ही महीने सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है कर्म का, और वो है हार्ड वर्क का, क्योंकि उसी से आप अपने इस जंग को जीत पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको, मेन पॉइंट ये है पूरे ही महीने, क्योंकि घर के अंदर हो, परिवार में हो, या भाई बहनों के साथ हो, ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आपके लिए संघर्षमय स्थिति खड़ी हो जाएगी, मगर हमें बहुत ही स्थिर रहना है। ये एक टेम्पररी फेस है, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होकर भाग्य स्थान में सूर्य बुध के साथ, देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। उसके बाद 22 तारीख को जब मंगल आपके दशम भाव में आ जाएगा तो भी आपको चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है। कोई भी आपका प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है वो पूर्णता की ओर अब चला जाएगा, और ये एक ऐसी चीज है कि आप जो काफी समय से आप प्रॉपर्टी का कमीशन ओरिएंटेड भी कोई कार्य करते हैं उसमें लाभ है। उसके अलावा आपका कोई भी नेटिव प्लेस में भी कोई घर है, या आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, इस संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स बने हुए हैं, वो कार्य होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि माता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त है। ये समय ऐसा है कि माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, उनकी ऊर्जा पूर्ण प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। पंचम भाव में राहु, देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां मैं आपसे यही कहूंगी कि राहु पंचम में है, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप अगर किसी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, वहां से आपका मन भटक रहा है, आप उसे छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, इस भटकाव से खुद को बचा के रखिए। इवन लव मैटर्स के अंदर भी भटकाव आ सकता है, एकदम से किसी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर मत लेके जाइएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो भ्रमित अवस्था है, वो स्टूडेंट्स को भी भ्रमित कर रही है। इवन आप लव की स्थिति में हैं तो भी आपको एक भ्रमित अवस्था है, तो इस भ्रमित अवस्था से बाहर निकलिए। और ये शुक्र की ऊर्जा आपके पूर्ण रूप से राहु के ऊपर पड़ रही है, तो ये इस तरह के विचार आना, डिस्ट्रैक्शंस होना, एकदम से किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इन्वॉल्व मत कीजिएगा, अगर कोई है तो उस पर एकदम से भरोसा मत कीजिएगा। ये एक ऐसी टिप्स है जो मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। देखिए, सिक्स हाउस का स्वामी बुध होकर आपके भाग्य स्थान में है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप अगर कोई भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, ऐसी समस्या हो सकती है। थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये दो ही ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो काफी परेशान कर सकती है आपको। कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी लाइटली नहीं लेना है। मेनली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, थायराइड जनित रोग तो भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनके भी रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए। देखिए, आपके कोई अगर आपके आसपास के आपके साथ कार्यस्थल पर कार्य करने वाले हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, तो उन लोगों की तरफ से कोई रिएक्शंस भी हो तो उसका आपको रिप्लाई नहीं करना है। किसी को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें उसका पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, ये ग्रह इस प्रकार के बैठे हुए हैं कि लोग अगर आप प्रगति भी कर रहे हैं तो लोगों को उससे जलन होती है और वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस चीज़ को रिएक्ट नहीं करना है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपके लिए ये महीना पूरा ही मेहनत से भरा हुआ है और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी ऊर्जा में कमी नहीं होनी चाहिए, और आपके डिसीजन मेकिंग को अगर कोई क्वेश्चन करे, ऐसी कोई स्थिति आप न खड़े करने देना। और उसमें से सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, गुरु की पूर्ण ऊर्जा आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल के अंदर आपको बेनिफिट्स हैं, प्रमोशंस भी हैं, और मतलब बेनिफिट्स बने हुए हैं, आपकी रेगुलर इनकम भी बनी रहेगी, आपको ऐसे फाइनेंशियल कमी नहीं होगी। मगर बहुत बड़ा आप सोच रहे हैं तो वो एकदम से नहीं हो पाएगा।
तो वो एक चीज है। सप्तम भाव के अंदर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है, तो जो आपके गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी काफी प्रॉब्लम्स थी, अब वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होगी, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ एकदम से अभी न एंटर हो तो बेटर है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये कि दशम भाव में फिर शनि, अभी सूर्य आने वाला है, तो उसमें क्या है, सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होगा। तो इस तरह से अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बहुत बड़े पार्टनरशिप की तरफ अभी जाकर आपको ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए, मगर हाँ आपको अपने बलबूते पर कोई भी कार्य करना है तो कर सकते हैं, आपके बिजनेस में काफी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। देखिए अष्टम भाव का स्वामी सूर्य होकर नवम भाव में रिसर्च के लिए आप कहीं पर भी रिसर्च के लिए जा सकते हैं, मेडिकल की स्टडीज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो 22 तारीख तक का ऐसा एक समय है जो आपको मंगल पूर्ण रूप से आपके 12वें भाव को भी देख रहा है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आपको विदेश जाकर, अगर कोई मेडिकल संबंधित स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशन में है तो उसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़कर कोई स्टडी में हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा समय है। पूरे ही महीने विदेश की कोई भी कार्य स्थिति है उसमें आपको पूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि 12वें भाव का अधिपति गुरु होकर लग्न में बैठा है, तो ये एक विदेश का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त है, तो वो कार्य आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवम भाव में सूर्य बुध और मंगल की युति है, भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त है। दशम भाव के अंदर देखिए 17 तारीख तक आपके सूर्य की स्थिति काफी मजबूत है, उसके बाद सूर्य नीचस्थ अवस्था में आ जाएगा दशम भाव में, तो उसके बाद थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और आपके प्रतिद्वंदी आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं, तो रिएक्शन से बचिएगा। अभी आप समझ के चलिए कि आपका समय संघर्ष वाला है, आपके कार्य में धीमापन भी रहेगा, अटक अटक के भी कार्य होगा, मगर बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि जिस प्रकार से आपके तीनों ही घर पर पड़ रही है वो आपको बेटरमेंट दे रही है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर काफी बड़ा लाभ होने की संभावना है, मगर अभी आपके प्लानिंग, आपके कार्य की मजबूती होना बहुत जरूरी है। देखिए 11वें भाव के अंदर शुक्र और केतु, ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि 11वें भाव का अधिपति मंगल होकर आपके भाग्य स्थान में है, तो ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जहां पर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डेकोरेशंस है, आप केमिकल संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें आपको काफी बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और रेस्टोरेंट बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए फार्मास्यूटिकल वालों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजिशन है अगर मेडिकल संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल जब आपके दशम भाव में आएगा तो वो एक मेडिकल संबंधित कार्य में बहुत मजबूती देता है, उसमें कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें कोई आगे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये ऐसी स्थिति है कि जहां पर मेडिकल रिलेटेड छात्रों के लिए बहुत बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई है। और उसका अगर कोई बिजनेस आप इक्विपमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत ही बेटरमेंट है, प्रॉपर्टी कमीशन संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें भी काफी बेटरमेंट है। तो एक सर्वांगीण लाभ की स्थिति तो नहीं कहूंगी मैं, मगर आप जिस स्थिति में उससे एक बेहतर स्थिति में जरूर आ पाएंगे। हाँ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते क्योंकि गुरु काफी नीचस्थ पोजीशन में है। और देखिए 12वें घर का अधिपति गुरु होकर शनि के साथ है, पहले से बेहतर स्थिति जरूर कहूंगी मैं, मगर नीचस्थ अवस्था का गुरु है तो संघर्ष की स्थिति मानकर चलिएगा। कोई भी कार्य है खर्चे आपके बने हुए हैं और खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको
विदेश से संबंधित खर्च भी हो सकते हैं आपके। देखिए कोई भी कायदे कानून या कोई भी ऐसा केस चल रहा है उसमें भी आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ऐसी स्थिति है कि जहां पर थोड़ा सा आपको बेटरमेंट कम दिख रहा है, मगर आपको उसमें काफी ध्यान रखने की जरूरत है। एकदम से कोई भी रिएक्शन मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, कोई भी मेल करते हैं या कोई भी जगह पर जहां पर आपको राइटिंग में कुछ देना है, तो उसके अंदर लाइक इंटरव्यू है या कुछ भी है जहां पर आपको कुछ लिख कर देना है, तो उसमें दो बार हर चीज को चेक कीजिएगा। क्योंकि बुध 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में है और ये 22 डेज तक आपके शब्दों को मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, आपको गलत समझा जाएगा, आपके कहने का मीनिंग कुछ अलग होगा, उसका मीनिंग कुछ अलग निकाला जाएगा, आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसमें भी लिखने में गड़बड़ हो सकती है। तो दो बार हर चीज को चेक कीजिएगा, इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। 18 तारीख तक इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल पोजीशन संभल के चलने का समय है और संघर्ष का समय जरूर कहूंगी, मगर हाँ बेटरमेंट की तरफ है और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि शनि लग्न में स्वगृही है तो मजबूत अवस्था में है, एक नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो आपको अगर कोई बदलाव की तरफ शनि लेकर जा रहा है, जरूरी है उसमें थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगी, आपको संघर्ष महसूस होगा, मगर उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो बिल्कुल डरने की अवस्था नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें मजबूती की ओर लेकर जा रही है, तो मेहनत कर आप अपने 100% इनपुट के साथ आगे बढ़िए। आप कोई भी बदलाव करते हैं वो आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगी। आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे हमसे जुड़े रहिएगा, हम बहुत सी जानकारियां शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।